अमेरिकन बुली सिर्फ नाम के लिए ही आज के टाइम में एक सिंगल ब्रीड रह चुकी है, लेकिन जब आप इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ टाइप्स तो आज भी वर्किंग कंडीशन के अंदर हैं जो वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, गार्ड भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ को स्पेशल ब्रीडिंग कर करके बहुत ही अलग बना दिया गया है। उनकी टांगें, उनका स्ट्रक्चर, उनका मसल, उनका हेड, बहुत ही सिलेक्टेड ब्रीडिंग कर करके उनको एक अलग लुक दी गई है जो कि बहुत डिफरेंस पैदा करते हैं इनके साइज़ के अंदर और इनके लुक के अंदर भी। सो आज की वीडियो में आपको इन सारे टाइप्स का अमेरिकन बुली के जितने भी टाइप्स हैं उनका प्राइस बताया जाएगा, डिटेल्स बताई जाएंगी। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्टिंग करते हैं नैनो अमेरिकन बुली से। इनके नाम के बिल्कुल अपोजिट इनका प्राइस होता है। जैसा कि आप नाम से पता चल रहा होगा कि नैनो बिल्कुल छोटे होते हैं, माइक्रो से भी छोटे होते हैं, और ये आज तक के जो अभी टाइम चल रहा है इसमें सबसे छोटे अमेरिकन बुली में आते हैं, और इनसे छोटे अमेरिकन बुली अभी नहीं होते, ये बिल्कुल बिल्कुल छोटे से होते हैं। आप हिसाब लगाओ, ये पग से भी बहुत छोटे होते हैं। पग तो मैंने बहुत बड़ा बोल दिया, एक बोतल के सामने बिल्कुल आ जाते हैं ये। और इनकी ब्रीडिंग बहुत मुश्किल है क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है इनके, नेचुरल ब्रीड नहीं करते ये, और इनका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। एक एवरेज अगर आप पपी लेना चाहते हो तो कम से कम 70-80 हज़ार मिलेगा, और मैक्सिमम तो 1-2 लाख जितना मर्जी आप ले सकते हो। और इनकी ब्रीडिंग करना बहुत मुश्किल है, ऑपरेट करके पपीज बाहर निकाले जाते हैं, और ये वर्किंग कंडीशन में मेरे हिसाब से बहुत कम है। इनका सिर्फ आप घर में खेलने कूदने के लिए रख सकते हो एज आ टॉय डॉग ब्रीड। और इसके बाद हमारे पास आते हैं माइक्रो अमेरिकन बुली। ये नैनो से थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं और ये थोड़े आपको मिल भी जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं आएगी इनको ढूंढने में जितना नैनो को आएगी, क्योंकि नैनो तो बहुत रेयर है, बट ये अभी थोड़े हो चुके हैं लोगों के पास में इंडिया के अंदर। और इनका प्राइस भी 40-50 से प्लस ही रहता है, कॉस्टली डॉग ब्रीड है ये भी, नॉर्मल ब्रीड नहीं कर पाते, इनको भी मैक्सिमम ऑपरेट के बाद ही बर्थ दिया जाता है, जन्म होता है इनका। नैनो और माइक्रो के बाद हमारे पास आते हैं पॉकेट साइज़ अमेरिकन बुलीज, और ये बहुत ही फेमस टाइप था एक समय के अंदर इंडिया के अंदर। सो बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं आज के टाइम में भी, क्योंकि ये बहुत छोटे भी नहीं होते नैनो की तरह, और बहुत बड़े भी नहीं होते, एक्सट्रीम भी नहीं होते। सो इनको घर में रखना बड़ा आसान है, साइज़ बड़ा इनका परफेक्ट होता है, और इनका प्राइस भी बड़ा जेन्युइन होता है। 20-25 हज़ार रुपये में आपको एक अच्छा प्योर ब्रीड पॉकेट साइज अमेरिकन बुली पपी मिल जाता है। इनकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी होती है, मस्कुलर होते हैं, बल्कि भी होते हैं। सो इनको आप घर में आसानी से रख सकते हो फैमिली मेंबर की तरह भी, और थोड़ा बहुत गार्डिंग पर्पज से भी आप यूज़ कर सकते हो। प्राइस जेन्युइन है और कंडीशन जेन्युइन है, सो काफ़ी लोग इनको भी पसंद करते हैं। इनके बाद आते हैं स्टैंडर्ड साइज अमेरिकन बुली, और इसमें काफ़ी टाइप्स होते हैं, एक्सट्रीम होता है, क्लासिक होता है, सो वो अलग चीज़ होगी, बट इनका हाइट और वेट पॉकेट साइज से बड़ा होता है, और ये थोड़ा ध्यान से लीजिएगा अगर आप लेना चाह रहे हो, क्योंकि इसमें लोग पिटबुल मिक्स करवा देते हैं। पॉकेट साइज़ तक तो लगभग ठीक रहता है, बट उसके बाद थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि आप किस ब्रीडर से ले रहे हो। इनके बाद हमारे पास आते हैं एक्सएल अमेरिकन बुलीज, जो पॉकेट, नैनो, माइक्रो, स्टैंडर्ड इन सभी से हाइट में और साइज़ में बड़े होते हैं, और इनमें काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लोग मिक्स बहुत करवाते हैं, अगर आप अच्छा डॉग नहीं लोगे तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी। और लास्ट आते हैं डबल एक्सल अमेरिकन बुलीज़, ये अमेरिकन बुली में सबसे बड़े साइज़ के टाइप है, और इससे बड़ा टाइप नहीं है अभी, काफ़ी तगड़ी डॉग ब्रीड होती है ये, काफ़ी तगड़ा टाइप है, और काफ़ी लंबे चौड़े शरीर के, बड़े हेड साइज़ वाले होते हैं। इनका प्राइस भी काफ़ी अच्छा रहता है, 30-50 हज़ार के बीच में आपको एक बच्चा मिलेगा डबल एक्सल अमेरिकन बुली का, वो भी आपको काफ़ी सर्च करना पड़ेगा प्योर ब्रीड के लिए, तब जाकर आप एक प्योर ब्रीड डबल एक्सल अमेरिकन बुली ले सकते हो। नॉर्मली एवरेजली अगर आपने एक अमेरिकन बुली रखना है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पॉकेट में जा सकते हो, स्टैंडर्ड में जा सकते हो, और अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है तो आप माइक्रो में भी जा सकते हो, बट नैनो काफ़ी रेयर हैं। अगर आप वो लेना चाहते हो या फिर एक्सएल डबल एक्सएल लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको ढूंढने के लिए, अच्छी ब्रीड पाने के लिए, क्योंकि इनमें मिक्सिंग बहुत होती है। अगर आपने एक मिक्स ब्रीड ले ली देन आपको उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली फेस करनी ही पड़ेंगी। सो ये छोटी सी वीडियो गाइज आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।